अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम लैक्टिकल एंड यू आर वाचिंग कैप्टन टट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माजरत दोस्तों, मैं आपके लिए इतने दिन से कोई वीडियो नहीं ला पाया, बिकॉज़ मेरा थोड़ा सा, एक तो यूनिवर्सिटी का लास्ट डेज थे, सो प्रैक्टिकल्स एंड इन चीज़ों में बिज़ी। उसके बाद थोड़ा सा, ये आपको कहते नहीं है, विजडम टीथ निकल रहा था, उसकी वजह से मुँह में काफ़ी प्रॉब्लम था, तो अभी कुछ बेहतर है। सो मैंने सोचा क्यों ना, इतने दिन आपको कुछ नहीं दिया तो अब आपको के साथ कुछ शेयर किया जाए, तो कुछ एडवांस शेयर किया जाए, कुछ मज़े का शेयर किया जाए। तो मैंने सोचा कि आपको क्या पढ़ाऊँ क्या पढ़ाऊँ पढ़ाऊँ, तो करते करते मेरे जहन में एक ऐसा टॉपिक आया जो इस वक्त पूरे यूट्यूब पे कहीं पे अवेलेबल नहीं है, और बहुत ही कम आपको अगर कोई मिलेगा तो किसी की वेबसाइट के ऊपर या किसी एक आध वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। ई कॉमर्स सिस्टम बनाना सीखेंगे हम इस कोर्स में। छोटा सा ये कोर्स होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 वीडियोज़ का। इन 5 से 10 वीडियोस में मैं आपको एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाऊंगा, वो भी ब्लॉगर के ऊपर। जो लोग कहते हैं ब्लॉगर पे कुछ नहीं होता, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ब्लॉगर पे बंदा करने वाला हो बहुत कुछ हो जाता है, और सिखाने वाला हो तो बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। तो हम लोग गूगल का फ्री ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, जिसमें हम दो तरह के पेमेंट गेटवे भी लगाएंगे। नंबर वन, हम पेपाल के साथ पेमेंट लेना भी सीखेंगे उसमें, और नंबर टू, हम कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम भी उसमें करेंगे। ठीक है, ऑर्डर हमें हमारे ईमेल में आएगा, बहुत ही खूबसूरत इनवाइसेस बना के हम देखेंगे, और स्टोर देखेंगे कैसे बनता है, प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, प्राइसेस लिस्ट करेंगे, और बहुत कुछ यार, फुल फ्लेज वर्डप्रेस की तरह, या शायद उससे भी एक कदम ज्यादा, हम बहुत ही अच्छा ब्लॉगर का एक स्टोर बनाएंगे। तो इस कोर्स में बेसिकली जिस तरह का हम स्टोर बनाएंगे वो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा। जब आप यहां पर आएंगे तो यहां पर बेसिकली आप अपने मेन्यूज के लिंक लगाएंगे, यहां पर आपके पास आपके सोशल आइकन्स है, ये आपका कार्ट का बटन आ रहा है, यहाँ पे आपका लोगो आएगा, यहाँ पे आपके मेन्यूज आप जैसे डालना चाहेंगे वो आएंगे, नीचे आपके पास एक बड़ा खूबसूरत किस्म का स्लाइडर आ रहा है, ठीक है, जो ऑटो चेंज होता जा रहा है, और बिल्कुल जीरो कोडिंग की जरूरत है आपको, किसी कोडिंग की किसी स्किल की जरूरत नहीं है इस कोर्स में। नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे कुछ डिस्काउंटेड ऑफर्स, आप जिस जिस कैटेगरी के लगाना चाहते हैं आप उनको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये बटन आएंगे, यहाँ पे आप बेसिकली प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो सर्च बार के थ्रू, फिर यहाँ पे नीचे आपके पास आपके प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट पे आपको देखिए लाइक का बटन नजर आ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन है और उसकी कार्ट नजर आ रही है, आप उनको यहाँ पे से देख सकते हैं, और उनकी प्राइसेस आपके पास नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास नीचे जो मेन कैटेगरीज की शो हो रही है, मेन की कैटेगरीज है और वुमेन्स की कैटेगरी है, नीचे आपके पास फॉलोअर्स है, नीचे अबाउट अस होगा, उसके बाद बड़ा खूबसूरत किस्म का फूटर है, और सब्सक्राइब का ये गैजेट भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर सकते इसमें। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, लाइक दैट इसी को ओपन कर लेते हैं, तो जब कस्टमर अपना प्रोडक्ट ओपन करेगा तो उसे यहाँ पे कुछ देखिए आपको क्या नजर आता है, ठीक है, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट कुछ इस डिटेल से नजर आएगा, पॉपुलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे इसके, यहाँ से कैटेगरीज भी देख सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, यहाँ से कलेक्शंस वो देख सकता है कौन कौन सी कलेक्शन आपके पास पड़ी है, लेबल्स के थ्रू भी वही चीज़ है, लेबल्स आएंगे। अब प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट यहाँ पे से पूरी एक इमेज आ रही है, ठीक है, उसकी 4 या 5 इमेजेज होंगी तो वो नजर आएंगी, यहाँ पे उसने जितने ऑप्शंस रखे हैं, किस साइज में, किस वाइट में लेना है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, 2 लेने हैं तो ओनली सिंपल वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, तो ये कार्ट में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे उसको बटन नजर आ जाएगा, जब वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपके पास सेंड ऑर्डर का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी प्राइस देखें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है, 39 था 2 की है तो 78 हो चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी कैलकुलेशन है, कितने आइटम कार्ट में है, अमाउंट कितनी है 78 है, शिपिंग कितनी लगेगी हमारी $50 की, हमने शिपिंग भी ऐड की, हम इसमें टैक्स भी ऐड करेंगे, शिपिंग का कॉस्ट भी ऐड करेंगे, टैक्स का कॉस्ट भी ऐड करेंगे, और देन यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, नंबर 1 पे विद पेपाल है, और सेंड ऑर्डर है। जब सेंड ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, अगर कोई प्रमोशनल कोड है, पोस्टल कोड है वो, और यहाँ पे उसका अपना ऑप्शनल मैसेज, और यहाँ पे वो सेंड कर देगा हमें ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह वो पेपाल के थ्रू पे करके भी मैं सेंड कर सकता हूँ, डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, हम कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं, और बहुत कुछ, ठीक है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम है, लाइक दैट अगर मैं आपको यहाँ पे सेंड करके दिखाता हूँ ये ऑर्डर, तो ये मैंने फिल किया सारा फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेंड ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सी चीज़ नहीं पूरी की, हाँ ये नहीं पूरा किया मैंने भी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं अपने आपको ऑर्डर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप जब आपका ऑर्डर सेंड होगा तो ये सक्सेस पेज भी उसे नज़र आ रहा है, और वहाँ पे बता रहा है कि ऑल पेमेंट डिटेल्स कैन हैव बी विद इन योर ईमेल, प्लीज़ चेक योर ईमेल इनबॉक्स फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, और अगर प्रॉब्लम है तो कहते हैं कॉन्टैक्ट हियर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना जीमेल ओपन करते हैं, तो ये बेसिकली 2 ईमेल क्रिएट करेगा हमारा सिस्टम, एक तो स्टोर के ऑनर के पास जाएगी जिसने स्टोर बनाया, और एक ईमेल जाएगी हमारे कस्टमर के इनबॉक्स में,
ठीक है, उसे भी पूरी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखें मुझे ऑर्डर आ चुका है, यहाँ पे मेरी पेमेंट डिटेल्स, मुझे बेसिकली मेरी इनवॉइस जनरेट कर किसने सेंड कर दी है। मेरा क्या क्या है देखें, ये मेरा नाम है, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा एड्रेस है। उसके बाद ऑर्डर नंबर कौन सा है मेरा, न्यू ऑप्टिमाइज सोशल शेयर इंट्रोड्यूस बाय ये। उसके बाद मेरा साइज़ वाइट है, उसका पैकिंग क्या है, और यहाँ से बेसिकली मैं डायरेक्ट उस पोस्ट को देख सकता हूँ वो कौन सी है। मेरे दो आइटम्स हैं 39 के हिसाब से, 78 मेरी टोटल अमाउंट बनती है। ठीक है, इसके बाद वो आइटम्स की मुझे टोटल यहाँ पे पेमेंट डिटेल कंप्लीट उसने बता दी कि इतनी मेरी पेमेंट बनेगी। ठीक है, तो जाहिर बात है जब उसके पास ये आ गई है, मैं जब क्लाइंट को भेजूंगा कैश ऑन डिलीवरी, तो ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इन्वाइसिस आपकी बन रही है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते ना। रिलेटेड प्रोडक्ट आपको उसके प्रोडक्ट के नीचे शो होंगे, जब कोई प्रोडक्ट आप ओपन करेंगे, ठीक है, हम उसको रिलेटेड प्रोडक्ट भी उसके साथ शो करवाएंगे। ठीक है, उसका ये खूबसूरत किस्म का डिस्क्रिप्शन लगाना, ये क्वांटिटीज ऐड करना, साइजेस ऐड करना, नीचे इसके रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे ये आ रहे हैं, आप इन चीज़ों को लगा सकते हैं। ठीक है, और नीचे कमेंट सिस्टम है पूरा जो आप ब्लॉगर का यूज़ करेंगे, और बहुत कुछ है इस छोटे से कोर्स में आप सीखेंगे कि कैसे हम ले अमेजिंग किस्म का स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मज़े का स्टोर है, फुल फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, और ये कैसे बनेगा इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सारा कुछ सेट कर सकते हैं, और ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग सिस्टम भी आपके अपने पास होगा। ठीक है, आपकी गैलरी, आपका ब्लॉग, हरी थिंग चलेगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आप को ये वीडियो सीरीज़ पसंद आएगी। अगर आप लगता है कि ये चीज़ें दूसरे लोगों को भी सीखनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बनाना। और मुझे दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमें सब पे करम करे, रमज़ान का माह है, इसमें अपनी रहमतें हम पे नाजिल करे और सबको सेहत और तंदरुस्ती अता करे, ताकि हम लोग बहुत सी चीज़ें सीख सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टोर की स्टार्टिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।